पंजाब दे विच हुण सैकड़े प्राइवेट हस्पतालां दे विच आयुष्मान स्कीम तहत भी मरीजां दा इलाज ठप हो गया। इस स्कीम वाले गरीब ते लोड़वंद मरीजां दे लई हुण प्राइवेट हस्पतालां ने बूहे बंद कर ले ने। PGI चंडीगढ़ भी हुण इस स्कीम दे तहत पंजाब दे मरीजां दा इलाज नहीं करेगा। दरअसल पंजाब सरकार ने स्कीम दे तहत पंजाब दे कल्ले प्राइवेट हस्पतालां दे करीब 260 करोड़ की राशि जारी नहीं की है। एक अंदाजे दे मुताबिक पंजाब दे करीब 500 प्राइवेट हस्पतालां ने हुण मरीजां नूं इस स्कीम दे तहत इलाज देना बंद कर दिता है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा स्कीम 20 अगस्त 2019 नूं शुरू हुई सी, जिस तहत पंजाब दे विच 39,18,000 परिवारां दा इस स्कीम दे तहत इलाज करना सी। 65% आबादी इस बीमा स्कीम का फायदा लैन दे योग सी। सेहत विभाग पंजाब दे वल्लों टेंडर करके SBI इंश्योरेंस कंपनी नूं सेहत बीमा स्कीम दे तहत 20 अगस्त 2021 तो 19 अगस्त 2022 तक का काम दिता गया सी, यानी कि मौजूदा महीने तक का, पर कंपनी 29 दिसंबर 2021 नूं ही हथ खड़े कर गई सी। स्कीम दे नाल पंजाब च करीब 600 प्राइवेट ते 200 सरकारी हस्पताल जुड़े हुए ने अते इहदे हेठ हर परिवार नूं इलाज दे लई 5 लाख रुपये का बीमा कवर दिता गया है। ते हुण कंपनी वल्लों हथ खड़े किए जाने तो बाद सूत्र दसदे ने कि महकमे ने कानूनी राह अख्तियार करन दी तैयारी विढ लई है। कल जो PGI दी खबरां आईयां सी कि PGI ने भी इलाज बंद कर दिता, तो वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दस्सिया कि PGI नूं राशि जारी कर दित्ती गई है अते छेती यानी कि अज तो वीरवार तो PGI विच लोड़वंद मरीजां दा इस स्कीम दे तहत मुफ्त इलाज शुरू हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है, हुण देखो मरीज ही दस सकते ने पंजाब दे कि उन्हां दा इलाज इत्थे होना शुरू हो गया जां फिर नहीं। तो पंजाब के हस्पतालों ने जिहड़ा इलाज बंद किया है उस बारे सरकार का कहना है कि 2 दिनों के मसला हल हो जूगा।